नागरिकता संशोधन कानून को लेकर विपक्षी दल लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी भी मुखर तरीके से नागरिकता कानून के खिलाफ हैं। कांग्रेस के स्थापना दिवस के मौके पर इस दौरान प्रियंका गांधी पूर्व IPS SR दारापुरी के परिवार से मिलने के लिए निकली, लेकिन पुलिस ने उन्हें रास्ते में ही रोक लिया। इसके बाद गाड़ी से उतरकर वो पैदल ही चलने लगी। इस दौरान भी पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन वो पुलिस को चकमा देते हुए कांग्रेस नेता की स्कूटी पर बैठकर वहां से निकल गए। इसको लेकर प्रियंका ने आरोप लगाया कि उन्हें रोकने के लिए उनका गला दबाया गया, लेकिन बाद में वो अपने बयान से मुकर गई। पुलिस वालों ने आपको धकेला? मैं गिर गई, एक किसी पुलिस वाले का हाथ ऐसे लग गया मुझे, तो मैं थोड़ी गिर गई, उठ गई, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। वहीं प्रियंका गांधी की सुरक्षा में चूक की बात भी कांग्रेस की तरफ से की जा रही थी, लेकिन अब CRPF ने दावा किया है कि सुरक्षा में कोई चूक नहीं हुई। प्रियंका गांधी ने खुद ही नियम तोड़े थे। प्रियंका जिस स्कूटी पर गई थी उसका पुलिस ने चालान भी कर दिया, क्योंकि स्कूटी के चालक ने हेलमेट नहीं लगाया था और न ही प्रियंका गांधी ने हेलमेट पहना था। इस सब को लेकर BJP और कांग्रेस की ओर से आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। BJP ने कांग्रेस को झूठी पार्टी करार दिया है और कहा है कि जो धारा 144 का उल्लंघन करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, फिर प्रियंका गांधी हो या चाहे और कोई। कोई पुलिस प्रियंका जी को क्यों जाकर के धक्का देगी या क्यों गला दबाएगी, और इस प्रकार के आरोप लगाना, मतलब मैं समझता हूं कि राजनीतिक गंभीरता को हल्केपन में बदलने का काम करते, पुलिस सुरक्षा में लगी है और पुलिस पर आरोप। बहरहाल BJP और कांग्रेस में ठनी हुई है और इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस ने आक्रामक रुख अपनाया हुआ है। कांग्रेस कार्यकर्ता इसको लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। दिल्ली में यूपी भवन के सामने यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने प्रियंका गांधी के साथ हुई कथित बदसलूकी के खिलाफ प्रोटेस्ट किया, यानी इस मुद्दे के जरिए कांग्रेस सियासत को और गरमाना चाहती है। वहीं BJP इसको लेकर सतर्क हो चली है और कांग्रेस को माकूल जवाब दे रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, R9 TV। तो प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश में हैं, लखनऊ में हैं, आज भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने आज भी कहा कि साजिश हो रही है, षड्यंत्र हो रहा है, उन्हें रोका जा रहा है, लेकिन वो रुकने वाली नहीं है। आज दो मेहमान आमने सामने BJP और कांग्रेस की तरफ से हमारे साथ हैं, जो अपने अपने तर्क रखेंगे और बताने की कोशिश करेंगे कि कौन सही कौन गलत। क्या वाकई में कुछ भी बोल देना एक स्टंट भर है? स्टंट इसलिए क्योंकि जब कोई राजनेता कोई बात कहता है तो उसका असर दूर तलक होता है। प्रियंका गांधी ने पहले कहा कि उनका गला दबाया गया, उसके बाद दूसरे दिन उन्होंने कहा कि बस हाथ लग गया, इस तरह की बातें आई, लेकिन BJP ने इसे हथियार बनाया। संजय गुप्ता जी, जिस तरह से प्रियंका गांधी ने पहले ये बात कही, गला दबाने वाली, पुलिस पर आरोप लगा और उसके बाद वो पलटती नजर आई, हालांकि आज भी उन्होंने कहा है कुछ ऐसा हो रहा है, शासन प्रशासन बदला लेने की फिराक में है, कैसे डिफेंड करेंगे इसको? पर है कि किस तरह का आज देश के अंदर माहौल है। प्रियंका जी तो केवल एक आवाज़ है, वो हमारे कांग्रेस के लोगों की आवाज़ है, मगर उनके अलावा आज देश के छात्र के साथ क्या व्यवहार किया जा रहा है, आज देश के अल्पसंख्यकों के साथ क्या व्यवहार किया जा रहा है, आज देश के किसान के साथ क्या व्यवहार किया जा रहा है, आज देश के आप ये देख लीजिए जो बुद्धिजीवी वर्ग है उनके साथ क्या व्यवहार किया जा रहा है, किस तरह का माहौल इस देश के अंदर है हमें समझना पड़ेगा। और ये भारतीय जनता पार्टी, RSS और जो संघ की ये सरकार चल रही है, किस तरह से इस पूरे देश के अंदर अपनी ये तानाशाही चलाना चाहते हैं, ये समझना पड़ेगा। इस देश के अंदर जो इनकी बात में हाँ में हाँ ना मिलाए वो देश विरोधी हो जाएगा, उसको कुचलने का प्रयास किया जाएगा, उसको रोका जाएगा। मुझे बताइए, प्रियंका गांधी जी वहाँ जा रही थी, कौन सा बड़ा प्रोसेशन लेके जा रही थी? 4 लोग गाड़ी में बैठ के जा रहे थे किसी को मिलने के लिए, तो धारा 144 में एतराज़ क्या है? और किस तरीके से पुलिस ने मिस हैंडलिंग तो की है ना, आपने देखा है उसको, बस सारी क्लिपिंग्स को। और इसके अंदर इसका एक सोचने का तरीका है, ये तो परसेप्शन है दिमाग में कि उसने गला घोट दिया या गला घोटने जैसा किया या अटैक किया या धक्का दिया। हालांकि पुलिस के खिलाफ हम जाना नहीं चाहते हैं, मगर ये जो उनके पुलिस के प्रशासन के पीछे जो लोग बैठे हैं, जो जिस तरह की ये घटिया घृणा की राजनीति पूरे देश में करते हैं, उन लोगों के ऊपर बात है, ये सवाल है जी, जवाब दीजिए। देखिए,
थोड़ा सा और पीछे जाना पड़ेगा और ये बार बार डिबेट में रही कि प्रियंका जी जब उत्तर प्रदेश की पूर्वी उत्तर प्रदेश की प्रभारी बनी थी, ये कहा गया कि बहुत कुछ करेंगी बहुत कुछ करेंगी, लेकिन हम लोग बार बार डिबेट में यही बोलते थे कि प्रियंका जी सिर्फ अमेठी और रायबरेली की सीट के लिए इतनी मेहनत कर रही हैं। आज इतना अटेंशन वो सिर्फ मीडिया किस लिए लेना चाहती है, क्योंकि हर जगह वो फेल हो चुके हैं तो उनके पास कुछ बचा नहीं एक फाल्स एलिगेशन लगाना। और जब वीडियो सामने आता है और जब वो खुद जो डीएसपी है वो आके बयान देती हैं तो उसके बाद में कुछ बचा नहीं, क्योंकि वो अगर उनके पास ऐसा वीडियो तो देती, लेकिन हाँ इसमें आना पड़ेगा क्योंकि गुप्ता जी ने बड़े बड़े सवाल उसमें उठाए हैं। बात यह है कि आज के टाइम पे कांग्रेस का जनाधार धीरे खत्म हो चुका है, वो बैसाखी के बल पे आगे पीछे कहीं भी जाके देखिए वो केवल अपना रास्ता ढूंढ रही है। सही बात है, अनिरुद्ध भाई का दिमाग पता नहीं सही स्थान पे है या नहीं, नहीं है। अरे सुनिए भाई साहब, 75% से 35% पे आप आ गए विधानसभाओं में जी, आप सुन और जनाधार हमारा खत्म हो रहा है। गुप्ता जी सुन लीजिए, लगातार हमारी सरकारें बन रही है स्टेट में, लोग आपको रिजेक्ट कर रहे हैं, कांग्रेस को सिलेक्ट कर रहे हैं, आप कह रहे हैं संविधान बनाने का क्या मतलब होता है? संविधान बाबा साहब अंबेडकर ने बनाया कि राहुल गांधी ने बनाया? ये संविधान को मानते हैं राहुल गांधी और संविधान की बात करते हैं और ये फर्क की बात करते हैं, संविधान की बात करते हैं। अरे आप संविधान को मानते नहीं है, किसने लगाया तिरंगे को नहीं मानते, आप देश के कल्चर को नहीं मानते, आप करते हैं आप नया भारत बनाना चाहते हैं। भारत में कितने संघ भारत के अंदर संविधान से बाहर जाके भारत नहीं, आप संविधान नहीं चलाते हैं। देश के अंदर आपने संविधान की शपथ खाई है, आपको शपथ लेने के बाद संविधान को मानना पड़ेगा क्या? ये देश आपके हिसाब से नहीं चलेगा, बात कर रहे साहबानों की, आपकी सोच से नहीं चलेगा, आप सेना के गौर से की सोच से नहीं चलेगा, आप ये गौर से का देश नहीं है। देश को राहुल गांधी का गौर से नहीं कराया, गांधी ने कराया है, गांधी को मानना पड़ेगा, राहुल गांधी के विचार को मानना पड़ेगा और गांधी की कांग्रेस को मानना पड़ेगा। इनके पास ये मैं आपको बताना चाहता हूँ के सिवा कांग्रेस और आप जो लोग हैं आपकी जो विचारधारा है आज आज आप नंगे हुए आपकी विचारधारा नंगी हो गई है। आप पुलिस का प्रयोग करते हैं, आप ईडी का प्रयोग करते हैं, आप सीबीआई का प्रयोग करते हैं, आपके लोग क्या करते हैं, किसने कहा था? आपके नेता किस तरह से रेप के अंदर इन्वॉल्व है? ऑनरेबल सबसे ज्यादा ये केवल देश के अंदर गांधी जी कर रहे हैं, जो भी हमारे देश के अंदर सबसे ज्यादा राहुल गांधी लीडर बीजेपी में सोनिया गांधी को क्या बात कर रहा है ताकि लोगों को दिखाया जाए किस तरह का देश को माहौल देना चाहते हैं, आर्थिक अपराध आने वाले बच्चों को क्या देना चाहते हैं, सिर्फ इनका राजनीतिक और क्या देश के अंदर आर्थिक हालात है, अपराध किए हैं इस देश के अंदर, आर्थिक आपातकाल जो चल रहा है, आर्थिक आपातकाल क्या आपने हल कर दिया है, इसको लूटा कहां से कहां तक ले आए रॉबर्ट बढ़िया, आप 6 साल में आपने देश बर्बाद कर दिया भैया, आपने बर्बाद कर दिया 10,000 में कंपनी रजिस्टर अमित शाह और 500 करोड़ अमित शाह जैसे व्यक्ति आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वित्त मंत्री होते हैं, एक कड़ी बार आपका राष्ट्रीय अध्यक्ष है, राहुल जी कहां जाना चाहते हैं, अपना लेके जाएंगे नेशनल हेराल्ड इससे ज्यादा और नीचे कहां ले जाएंगे आप? आप मुझे बताइए ना, आपको शर्म आनी चाहिए आपकी पार्टी, शर्म आपको आनी चाहिए। और दूसरी चीज मैं कहना चाहता हूँ, आप आवाज को, आप छात्र की आवाज को, महिला की आवाज को, किसान की आवाज को, अल्पसंख्यक की आवाज को आप रोक नहीं पाओगे, आप रोक नहीं पाओगे, क्योंकि आप रोक नहीं पाओगे।
आपकी पुलिस रोक नहीं पाएगी। इस जिस तरह से प्रियंका गांधी ने ये बात कही तो उसके बाद एक के बाद एक हमले होने भी शुरू हो गए प्रियंका गांधी व बीजेपी की तरफ से। इसमें ट्वीट के जरिए भी हमले हुए। श्रीकांत शर्मा ने एक के बाद एक कई ट्वीट किए। उन्होंने कहा कि कानून तोड़ना, दंगाइयों से मिलना और फिर झूठ की राजनीति करना, यही कांग्रेस का चरित्र है। संजय गुप्ता जी, क्या कांग्रेस का चरित्र यही है? देखिए, श्रीकांत शर्मा जी को सारा देश जानता है किस तरह से घोटालों के अंदर लिप्त है, भ्रष्ट मंत्री है। अरे, भारतीय जनता पार्टी के यूपी के भ्रष्ट मंत्री है, सबसे ज्यादा घोटालों में है। आपने आप क्यों अमेरिका का बीच नहीं बोलेंगे? मेरी बारी है, मेरे डर रहे हैं। नहीं, आप मेरे बारे में बोलेंगे ना? अगर आप मेरे बारे में बोलेंगे तो हम बोलने नहीं देंगे आपको। सुनने की क्या बात है? आप तो बोले फॉल्स एलिगेशन लगाएंगे, किसी को नहीं बोलेंगे। भाई साहब, आपकी सरकार है, आप कूद उठ रहे हैं। आपकी सरकार है, आप बोलने नहीं देंगे। आप सड़क पे चलने नहीं देंगे, किसी को बात कहने नहीं देंगे, किसी को मिलने नहीं देंगे। आप प्रदर्शन करेंगे, आप प्रदर्शन नहीं करने देंगे। किसानों के लिए आप कौन क्या खाएगा ये आप तय करेंगे, कौन से कपड़े कौन पहनेगा ये आप तय करेंगे। अरे, किस तरह के इस देश में हालात आ गए? कपड़ा राहुल यहाँ से कहां तक ले आए भाई साहब? और बात की आपने श्रीकांत शर्मा की, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कितने घोटालों में श्रीकांत शर्मा का नाम है। ये घोटालों का पत्र है ये श्रीकांत शर्मा। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, सोनिया की आप पार्टी है, चिन्मयन की आप पार्टी है, प्रियंका गौरसे की आप पार्टी है, शर्मा नहीं चाहिए, शर्मा जानी चाहिए, शर्मा नहीं चाहिए। महात्मा गांधी का नाम आपको लेने का अधिकार है? अरे, महात्मा गांधी की हत्या करने वाले लोग आज महात्मा गांधी के नाम से दुकान चला रहे हैं। अगर आप महात्मा गांधी को मानते हैं तो इस देश के अंदर विरोधी पार्टी के नेता रोकते नहीं है। आपने महात्मा गांधी को समझा नहीं है, क्या किया आपने? महात्मा गांधी को पढ़ा नहीं है? आप पढ़ी लीजिए। और हमारे तो नेता है, क्यों क्या धर्म के उन्माद के नाम पे, धर्म के नाम पे आपने बंटवारा किया? आप भी पढ़ लीजिए, धर्म के नाम पे बंटवारा किया? आप गौरसे के लोग पढ़ लीजिए, 1947 में धर्म के नाम पे बंटवारा किया? अरे, आप गौरसे के लोग महात्मा गांधी को पढ़ लीजिए। अरे, महात्मा गांधी को आप पढ़िए। महात्मा गांधी ने कहा था कांग्रेस खत्म कर दीजिए। आपको राहुल गांधी के कांग्रेस है जिसको कुछ नहीं आता है। आपको महात्मा गांधी के वाले छठे से आया, आपने अहिंसा को नहीं पढ़ा। अहिंसा अगर आप पढ़े होते देश का बंटवारा ना होता, गरीब के प्रति प्यार को नहीं पढ़ा। मैं हिंदू मुसलमान का देश का बंटवारा ना होता, आपने देश को बांटा, देश को आजाद कराया। 1984 में दंगा राजीव ना होने देते, आसाम में नल्लई के अंदर दंगा ना होता, आपको 2000 से ज्यादा मुस्लिम भाई बहन का कत्ल होता है आसाम में। आपकी सरकार होती है और आप अहिंसा, सबसे ज्यादा दंगे हुए आपके सरकार में हुए हैं। अरे, आप दंगे धार्मिक उन्माद, अरे दंगों के ऊपर तो कांग्रेस है। दंगे, आप तो दंगों में पैदा हुए हैं। लोगों सबसे पहले सिखों का दंगा 1900 और दंगाई को आप मुख्यमंत्री बनाते हैं गौर से। और अरे, कमलनाथ के ऊपर आरोप लगता है, मुख्यमंत्री बनाते हैं आपके खून में, चार सीटर में आपके खून में, आप तो पैदा हुए दंगे से साहब, खून में दंगे। 1947 का दंगा धर्म के आधार पे हुआ है, कांग्रेस के खून के अंदर 1901 भी दंगे आज तक दंगाई है कांग्रेस के खून के अंदर। अरे साहब, घोटाले और दंगे तो आपके ब्लड में है। अंदर गरीब को गले लगाने की भावना है। अरे वाह, गरीब को गले लगाया जाती है। जीप घोटाला से शुरुआत हुआ था। 10 लाख का सूट हम नहीं पहनते हैं। घोटाला आप पहनते हैं 10 लाख का सूट। आपको चाय वाले का बेटा अगर सूट पहनता है तो दर्द होता है। 10 लाख का चाय वाले का बेटा सूट पहनता है तो दर्द होता है, क्योंकि गरीब को गरीब बना के रखना चाह रहे थे। और अडानी अंबानी के दलाल आप है। अडानी अंबानी के दलाल अनुरुद्ध जी, जिस तरह से आज भी प्रियंका गांधी सामने आई, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश का शासन प्रशासन बदले की भावना से काम कर रहा है, बदले की भावना से काम कर रहा है, इस पर क्या कहेंगे आप अनुरुद्ध जी? जी, बदले की भावना से काम हो रहा है क्या? प्रियंका गांधी का ये बड़ा हमला है उत्तर प्रदेश के शासन पर और प्रशासन पर। नहीं बचा केवल वो रावत बटेरा, राहुल गांधी, सोनिया गांधी के ऊपर कोई एक्शन ना हो ताकि लोगों को लगे कि राजनीतिक एक्शन हो रहा है, सिर्फ वो राजनीतिक एंट्री और राजनीतिक ये प्रोपोगंडा वो करती है। उनकी अगर कहीं पर सफलता होती तो पुलिस के ऊपर आरोप लगा देती। मैं कह रहा हूं, उनके पास अगर साक्ष्य तो वीडियो क्यों नहीं देती है? वो यूपी पुलिस पे क्यों नहीं वीडियो देती है? वो स्कूटर पे बैठ के जाती है, वहां हेलमेट नहीं लगाती, उसका पेपर नहीं होता, ड्राइविंग लाइसेंस नहीं होता है, कानून का पालन नहीं करते। अरे, महासचिव है पार्टी की, एक बड़ी पार्टी के नेता हैं, उनको तो कानून का पालन करना चाहिए। इससे संदेश जाता है उनके कार्यकर्ताओं के अंदर। लेकिन चूंकि ये लोग हिंसा को बढ़ावा देते हैं, दंगाइयों का साथ देते हैं और कानून को ना मान ले, क्योंकि कानून को इनको क्या है, इनके भाई साहब जो थे वो तो ऑर्डिनेंस के फाड़ के फेंक दिए थे, तो इसलिए उनको लगता है कि उनको जो चीजें
कानून सम्मत है, संविधान सम्मत है, कुछ भी है, वो लोग कहां मानने वाले हैं? उनको तो एक चाय वाले बेटा प्रधानमंत्री बन गया और एक सामान्य व्यक्ति मुख्यमंत्री बन गया, उनको ये पची नहीं पा रहा है। समस्या ये है कि गरीब को गरीब, अल्पसंख्यक और हिंदू के बीच में बंटवारा, ये तो उनका पूरा ध्येय रहा है और घोटालों में पैदाइश उनकी रही है। घोटाले 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 कि 10 जनपद पे क्या हुआ, कैसे हुआ, उन्होंने पीली स्लिप दे दी, उन्होंने येलो स्लिप दे दी, उन्होंने पिंक स्लिप दे दी, सरकारें चल रही हैं, ये फाइल वहां जा रहा, ऑर्डिनेंस आप फाड़ा जा रहा। तो ये प्रियंका गांधी जी की फ्रस्ट्रेशन दिखा रही है कि और लोगों को बीच में मैसेज देना दिखा जा रहा कि ताकि अगर उनके ऊपर कल को एक्शन होता है या एक्शन जो हो रहा है तो लोगों को दिखाए कि साहब देखिए हम इतना बड़ा आंदोलन कर रहे हैं, ये तो राजनीतिक आधार पर एक्शन हो रहा है। जी संजय गुप्ता जी, डिफेंड कीजिए इसको, क्या ये षड्यंत्र है? क्योंकि बीजेपी वाले जब हमला करते हैं तो वो कहते हैं कि नौटंकी की जा रही है, माहौल शांत था और शांत माहौल के बीच में प्रियंका गांधी का आना यानी उपद्रव मचाने वालों को सपोर्ट करने जैसा था। देखिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कतई सपोर्ट करने वाला विषय नहीं था। प्रियंका जी केवल 4 लोगों के साथ वहां पर मिलने जा रही थी धारापुरी जी के घर पर। जी, और आप मुझे देखिए किस तरह का इस देश के अंदर आम आदमी के अधिकारों का ये अतिक्रमण है, किस तरह से पुलिस के द्वारा किया गया ये षड्यंत्रकारी कार्य है कि एक अगर तो ये आप मानते हैं ना, ये आप मानते हैं कि बदले की भावना से काम हो रहा है? जरूर, बिल्कुल, और क्या है, सारा देश देख रहा है, सारा देश देख रहा है जी, इसमें बताने की आवश्यकता क्या? और अनिरुद्ध भाई क्या बताएंगे, इनका चरित्र पूरा देश जानता है, गौड़से के लोगों की सोच को सब देश जानता है, और केवल प्रियंका गांधी की बात नहीं है। मैं कहना चाहता हूं चाहे वो वकील हो, चाहे इस देश का छात्र हो, चाहे इस देश का किसान हो, चाहे इस देश का अल्पसंख्यक हो, चाहे इस देश का व्यापारी हो, सभी तो लोगों के खिलाफ इन्होंने यही एक्शन लिया है, यही कश्मीर में किया, यही पूरा आपका पूर्वोत्तर जल रहा है, हमारे स्टेट्स जल रहे हैं, सारे देश के अंदर ये जो लोग आए हैं ये इन्हीं के तो खिलाफ आए हैं, इसी सरकार के खिलाफ आए हैं, किसी और के खिलाफ नहीं है, इसी सरकार और इसी विचारधारा के खिलाफ है, और ये टारगेट करना चाहते हैं प्रियंका गांधी को। अरे आप में हिम्मत है तो आप देश के उन नागरिकों को टारगेट कीजिए जो सड़क पर है। अरे आप सड़क पर जा रहे हैं, टारगेट कर रहे हैं उन छात्रों का, काम कीजिए। मैं कह रहा हूँ आपको जवाब मिलेगा, आप नहीं खड़े उतर रहे हैं, 70% से किसानों की बात हो, चाहे आप परसेंटेज देखते रहिए, आप बैसाखी का आधार पकड़, अगर आप उसमें खुश होते रहते तो बिल्कुल आप खुश होते होंगे, क्योंकि आपको दोबारा 2 सीटों पर जाने वाले हैं आप। आपका इतिहास चेक कर लीजिए आप, आपकी विचारधारा 2 सीटों पर थी, दोबारा 2 सीटों पे जाने वाली है। देखिए गुप्ता जी, बताने वाला 2 सीटों का बड़ा शौक है गुप्ता जी, नहीं आपको 2 पे जाएंगे आप, मैं कह रहा हूँ मुद्दों पे बात करें, 2 सीटें 4 सीटें और एक बार में भी नहीं थे। अरे साहब 2 सीटें भी मत बताइए, इंदिरा गांधी जी ने दी थी आपको, चरित्र जानता है, और 2 धर्म के आधार पर बंटवारा कब हुआ? 1947 में उसके बाद में राहुल गांधी जी आपने कहा था किसानों का चुनाव हो गया, चर्चा हो गया, अब आपके पास कुछ भी नहीं है। आपने कहा था गांधी जी राम मंदिर को बचाने के लिए रच रही है, लोगों को भड़का रही है, क्योंकि ये ऐसी पार्टी है जो धर्म के आधार पे देश को जिसने बांटा है, भारत और पाकिस्तान धर्म के आधार पे बांटा गया और कांग्रेस ने बांटा है, सर्टिफाइड है, और आसाम के अंदर अरे आप सर्टिफाइड है, नरसंहार हुआ था आसाम के अंदर, आपकी सरकार थी 1982 में, किसकी सरकार थी? नरसंहार हुआ, गोधरा यादव भूल गए, अमित शाह भूल गए, ये गांधी की, ये राहुल गांधी की पार्टी भूल गए, पप्पू नहीं है ये, गोधरा आप है, ये बेल पे कौन घूम रहा, राहुल गांधी घूम रहा नहीं घूम रहा बता दीजिए, राहुल गांधी घूम रहा नहीं घूम रहा बता दीजिए, राहुल गांधी घूम रहा नहीं घूम रहा, सोनिया माँ बेटे बेल पे है और ये देश को बताएंगे कानून, नहीं माँ बेटे बेल पे घूम रहे हैं, देश को बताएंगे कानून, तड़ी पार किंकर, अरे बेल पे घूमने वाले की पार्टी वाले बताएंगे देश कैसे चलता है, बेल पे घूमने वाला, जमानत पे घूमने वाला, पी चिदम्बरम जमानत पे घूम रहे हैं, ये देश को अर्थव्यवस्था, जो बेटे की अर्थव्यवस्था सही कर रहा है वो देश की अर्थव्यवस्था बताता है, जो देश के अंदर कहता हर हिंदू आतंकवादी है, राहुल गांधी बोलता हर हिंदुस्तानी रेपिस्ट है, रेपिड इंडिया बोलता है वो आदमी आपको, अरे साहब की ये राहुल गांधी देश का राहुल गांधी सुनना नहीं चाहता, मैं भी हिंदू सब जानते हैं आपके दुर्भाग्य है, हिंदू तो जयचंद भी था, हिंदू तो जयचंद भी था, ये दुर्भाग्य है इसका, जयचंद बहुत बड़े हैं साहब, कौन सी खाल पहनी है आपने, मुसलमान के बीच में बांटते हैं, सब जानते हैं आपको, सब जानते हैं कि जयचंद भी था जिसने हिंदुस्तान के बंटवारा में अहम भूमिका निभाई, और 1947 का जयचंद कौन था सब जानते हैं, जिसने देश को बांटा, कौन से हिंदू है सब जानते हैं आपको, सब जानते हैं, कीजिएगा आपका सब जानते हैं,
आपके कि केरल में मुस्लिम लीग और महाराष्ट्र में शिवसेना, ये आपका सब जानते हैं, आपका जो आप जाते हैं यहाँ पे है। हम आपके जैसे नहीं है, अब जब हमारा चरित्र जानते हैं, हम राष्ट्र सेवा के नाम पे जान दे देंगे। हम आपके मुख्यमंत्री जो आप भूल जाते हैं, आप भूल जाते हैं, ये कह रहे हैं आप भूल जाते हैं। आपने देश के लिए आपका प्रधानमंत्री छह साल में एक बार भी प्रश्न का उत्तर अयोध्या नहीं गया, किसानों के लिए क्या, भूल जाते हैं इनके लिए क्या क्या, ये आपका हिंदुत्व क्या किया इनके पास, ये आपका हिंदुत्व, आपका हिंदुत्व, आपका टूट देश को बांटना धर्म के आधार पे, सबसे ज्यादा जेनोसाइड आपके उस पे हुआ है सरकारों में, आपके पास क्या तथ्य बता दीजिए। देश आपको जानता है, जानता है आपका, बिल्कुल जानता है, राहुल गांधी सोनिया गांधी को देश जानता है, मां बेटी देश देख रहा है, संजय गुप्ता जी अनुरोध जी देश देख रहा है और देश ये भी समझता है बखूबी कि इस तरह की बातें अस्थायी तौर पर प्रचार तो दे सकती हैं, प्रचार कर सकती हैं, जैसे आज ये बोलना कल पलट जाना परसों कुछ और बोलना, लेकिन क्या ये वोट में तब्दील होगा ये तय तो जनता को करना है। हालांकि उत्तर प्रदेश में जिस तरह के हालात बने और उसके बाद अब उस पर सियासत हो रही है और बातों पर भी बात निकल कर सामने आ रही है, बीजेपी को भी मौका मिला, मौका कांग्रेस ने ही दिया है। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, संजय गुप्ता जी और अनुरुद्ध जी इस चर्चा में शामिल होने के लिए। उम्मीद बस यही कि जो बात हो सियासतदा जो बात करे वो ठोस बात हो, क्योंकि जनता उस पर विश्वास करती है। प्रियंका गांधी ने पहले दिन कहा जरूर बस सुलूकी हुई, लेकिन अगले ही दिन उन्होंने कहा बस हाथ लग गया गिर गई, लेकिन अस्थाई प्रचार चाहिए या फिर पक्का प्रचार चाहिए जिससे वोट आपको हासिल हो, यह तय करना सियासी दलों को है, कांग्रेस को है, बीजेपी को है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए आरएन टीवी के साथ।